सुहागपुर में 5 से 16 जून तक हो रहे नमामि देवी गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत पुरानी जल संरचना तालाब कुएं नदी के जीर्णोद्धार के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। वहीं पलकमती नदी के जल संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया। 25 ग्राम और 12 ग्राम पंचायतें टच हो रही हैं, उसमें सीएमओ साहब और सीओ साहब हमारे साथ हैं। दोनों लोगों ने जहां जहां भी हमारी जो कार्य योजना बनेगी, जो ग्राम के लोगों को सहयोग की आवश्यकता होगी, जिसमें हम पटवारी सचिव से लेकर वहां का सीमांकन है, वहां पर जो अतिक्रमण है या जो उनके पास में किनारों पर घाट है, और उन पर हम क्या कर सकते कि प्रशासन को और शासन को आम सुहागपुरी में यह विश्वास जगाना होगा कि गंभीरता के साथ पलकमती के संरक्षण के लिए कार्य होगा। ऐसा नहीं कि पिछले कुछ वर्षों से हम जो देख रहे हैं कि होता है, कुछ कहा कुछ जाता है, कुछ परिणाम मिलते भी हैं, लेकिन जो जनता की जो अपेक्षा उसके अनुकूल परिणाम नहीं मिलते हैं। अभी जनता जो है वेट एंड वॉच की स्थिति में है, हम लोग भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है।